गांव खेड़ा चुका हूँ मैं जानसठ मुजफ्फर नगर के प्राचीन खतौली के पास मेरे गांव में। दरअसल हमने कुछ दिन पहले 6-7 महीने पहले एक छोटी सी सभा की थी अपने गांव में गुरु गोरखनाथ के नाम से। नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कि हमारे मुजफ्फरनगर मेरठ के आसपास एक ऐसा मठ बनाए, एक भव्य मंदिर बनाए गुरु गोरखनाथ के नाम से, कि ऐसा मठों के आसपास जो हमारा गोरखपुर वाला भी है वो भी उसके आगे छोटा पड़ जाए, यानी उसके आधार के उसके उसे आधार बना के हमने गुरु गोरखनाथ सेना का गठन किया है। तो उसमें उसका उद्देश्य क्या है कि हम जितने भी हमारे समाज के युवा है उस युवाओं को एक साथ जोड़ना है। दरअसल क्या है, अभी तो बहुत छोटे छोटे संगठन हमारे बने हुए हैं बिरादरी के बने हुए, चाहे उपाध्याय समाज हो, जोगी समाज हो, नाथ समाज हो, बहुत सारे अपनी जगह जगह संगठन सबने रचित कर रखे। मेरठ में 10 होंगे, हमारे मुजफ्फरनगर में 10 है, शामली में 10 है, सहारनपुर, सब जगह बहुत सारी संख्या है। तो वे जो काम कर रहे हैं वे अपने लेवल पर काम करते रहे। हमें भारतवर्ष पे पूरे जो भारत हमारा उसके भारतवर्ष पे एक गठन एक संगठन हमें बनाना है। वो संगठन अगर हमने सोचा कि गुरु गोरखनाथ सेना उसका नाम होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर हम काम करें। जितना भी हमारा युवा वर्ग है हम उससे जोड़े और जितने भी हमारे अपने समाज के लिए उत्थान के लिए हम इसके अनुसार कार्य करें। समस्या क्या है, अभी जितने लोगों ने अपने संगठन पहले चला रखे हैं तो सबको ये कहना यार हमने तो पहले चला रखे हैं, आप ऐसा करो, आप हमारे साथ काम शुरू करना कर दो। जंगे जंगे संगठन बने हुए हैं, लेकिन हमें भारतवर्ष पूरे भारत में एक संगठन तो बनाना पड़ेगा। संगठन बनाने के लिए और सब मेन पॉइंट ये होता है कि आप युवा को साथ कर लो, जो हमारे जो मंच पे बैठे हुए थे ना जिनके बाल उड़ गए सर से, सॉरी मैं एक्स्ट्रा वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। उन्हें ज्ञान बहुत है लेकिन वे अपने ईगो को त्याग नहीं चाहते। अब ईगो को त्यागेंगे नहीं हम कभी एकजुट होंगे नहीं। एकजुट होने का तरीका है हम युवा एक साथ हो जाए, वे बड़े हमारे पीछे पीछे हो जाएंगे। तो जो हमने गठन किया है गुरु गोरखनाथ सेना का, तो आपके क्या व्यूज है सभी के, आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए और क्या क्या सजेशन मेरे लिए है, तो उसके अगर जिसका जो सजेशन है मुझे बताओ और सभी को है तो उसके लिए क्षेत्र में बनाना चाहते हैं गुरु गोरखनाथ मठ अपना मेरठ बन जाओ, खुद ही मेरठ बना देंगे, मुझे अपना दो देहात में। हाँ जी खतौली बेस्ट, पहले शुरुआत ही नहीं थी। अगर 5 अरबी की जमीन आपको मिल जाए वो तो जहाँ के जहाँ भी सबका विचार आए, अगर ऐसा हो जाए खतौली और मेरठ के बीच में हो जाए मैं तो दोनों को कवर हो जाए, रविंदर जी अलग अलग कर लो। एक रविंदर जी मैं दरअसल अभी सब बैठे हुए हैं, सभी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे तो अभी 5-6 महीने हो गए जुड़ो समाज से, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, तो सब एक एक करके अपने अपने व्यूज दो इस चीज के बारे में, बीच में कोई किसी को ना रोक के जो कह रहा है उसे कहने दो। मैं नहीं सुनील जी से शुरू कर देते हैं, इधर से शुरू हो जाएंगे जो जिसके व्यूज अपने बताओ। सुनील जी मैंने तो अपना विजन क्लियर कर ही दिया था आपके सामने। नहीं सबके सामने बताओ एक बार जोर से, सबको आवाज आए। अच्छा, मैं योगी सुनील उपाध्याय खतौली से। अभी जैसे योगी जी ने बताए थे ना, रोहित खत्री ने बताया है गुरु गोरखनाथ सेना का, जो इसका समझने के शुरुआत अभी 6-7 महीने पहले हम कर चुके थे, आप सभी गांव आए, कई व्यक्ति इसमें से मौजूद भी थे, लेकिन किसी कारणवश सभी उसको रनिंग में नहीं ला पा रहे थे। मेरा मानना विचार मंथन